नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और मैं हूं राशिद अली। बात करेंगे रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर। जहां मोदी सरकार ने 4 साल पहले जब वो सत्ता में नहीं थी तो ये कहकर आई थी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन सच आपके सामने है कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो क्या, 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी के लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक लाल झंडा हो और अगर उस कारखाने में अगर मजदूर को रुपया थोड़ा कम मिलता है, 2-5 रुपया भी, तो उस पूरे कारखाने को ताला लगा देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, जीना इसी पर सीधे मोदी सरकार के एक मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और वो बयान अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको सीधे लेकर चलूंगा खबर की ओर और दिखाऊंगा कि आखिर मोदी सरकार के मंत्री उन्होंने क्या कहा है नौकरियों को लेकर, और फिर आप देखिएगा कि आखिर इसका असर क्या होना चाहिए और इसका जवाब क्या होना चाहिए। नितिन गडकरी की 2 टूक, जब नौकरियां ही नहीं तो आरक्षण का क्या फायदा। नितिन गडकरी ने ऐसा कहा है, मोदी सरकार के मंत्री हैं। और आखिर महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए मराठा आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। गडकरी का कहना है कि आरक्षण का क्या होगा जब नौकरियां ही नहीं है। ये बात आरक्षण की नहीं, आरक्षण की अगर आप दो ना दो ये बात की बात है, लेकिन जब नौकरियां ही नहीं तो आरक्षण का क्या होगा। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि वो नौकरियां पैदा करे? क्या वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो लोगों को रोजगार दे? अगर वो नहीं दे सकती तो 4 साल पहले उन्होंने क्यों कहा था, क्यों उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी? मैं और मुद्दों पर नहीं आना चाहता हूँ, मैं 15 लाख पर नहीं आना चाहता, महिलाओं के मुद्दे पर नहीं आना चाहता, गरीबी के मुद्दे, किसान के मुद्दे, पेट्रोल डीजल के मुद्दे, आय के मुद्दे, मैं उन सभी मुद्दों पर नहीं आना चाहता हूँ। मैं केवल एक मुद्दे पर आना चाहता हूँ और एक वादे की बात पर आना चाहता हूं, जो कि रोजगार का मुद्दा। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़िए साहब, 2 लाख लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। मैं सीधे लेके जाऊंगा और उसके बाद सरकार के मंत्री कहते हैं कि जब नौकरियां ही नहीं तो आरक्षण का क्या होगा, जब नौकरियां ही नहीं तो आप सरकार में कर क्या रहे हैं, सवाल उठता है। और मैं सीधे आपको लेके चलना चाहूंगा आखिर खबर क्या है। मराठा आंदोलन की आज से पहले से ही झुलस रहे महाराष्ट्र में मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि आरक्षण रोजगार की गारंटी नहीं है क्योंकि नौकरियां कम हो रही हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नितिन गडकरी से जब आरक्षण के लिए मराठों के वर्तमान आंदोलन व अन्य समुदाय द्वारा इस तरह की मांग से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब दिया, यदि आरक्षण दे दिया जाता है तो भी फायदा नहीं है क्योंकि नौकरियां नहीं है। बैंक में आईटी के कारण नौकरियां कम हुई, सरकारी भर्तियां रुकी हुई हैं, नौकरियां कहां हैं? इसके आगे देखते हैं वो आगे क्या कहते हैं। नितिन गडकरी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक सोच है जो चाहती है कि नीति निर्माण हर समुदाय के गरीबों पर विचार करे। उन्होंने कहा, एक सोच कहती है कि गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति, पंथ या भाषा नहीं होती, उसका कोई भी धर्म हो, मुस्लिम, हिंदू या मराठा, सभी समुदाय में एक धड़ा है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में 16% आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय का आंदोलन जारी है। पुणे, नासिक, औरंगाबाद में आंदोलन हिंसक भी हुआ, कई जगहों पर आगजनी भी हुई, कई जगहों से कथित तौर पर युवकों की आत्महत्या की खबरें भी आईं। लेकिन अगर बात करें पिछले दिनों विभिन्न राजनीतिक दलों से 7 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठक भी हुई जिसमें कानून के दायरे में मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर विचार किया गया। सरकार ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया की जाँच के बाद मराठा आंदोलन के विषय में ऐलान किया जाएगा जिससे अन्य समुदाय को मिलने वाला आरक्षण पर कोई प्रभाव ना पड़े। बता दें विपक्ष मोदी सरकार
और बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगातार आया। वहीं बीजेपी और स्वयं प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। अपने बयान के बाद में गडकरी ने भी पक्ष रखा कि और ट्वीट भी कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की सरकार की कोई मंशा नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की सरकार की कोई मंशा नहीं है, लेकिन नौकरियों पर सरकार की क्या मंशा है, ये देखने वाली बात होगी। आरक्षण, जाहिर सी बात है, आरक्षण एक अलग मुद्दा है, लेकिन नौकरियों का क्या मुद्दा? जब भरपूर मात्रा में, जब अगर मोदी सरकार अपना ये वादा निभाती, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देती, लोगों को नौकरी देती, तो शायद आरक्षण मांगने की जरूरत ही ना पड़ती। क्योंकि जब भरपूर मात्रा में नौकरियां मिलती तो आखिर इस आरक्षण की जरूरत ही ना पड़ती। और अगर आरक्षण की जरूरत पड़ती भी तो सरकार, वो बात की बात है कि उस पर कैसे निर्णय लिया जाता, उस पर बैठक बिठाई जाती है और उस पर ये निर्णय लिए जाते हैं कि आखिर इस पर क्या करना है। लेकिन मोदी सरकार के मंत्रियों का ये रवैया कि जब नौकरियां ही नहीं तो आरक्षण का क्या होगा, तो आखिर आप सरकार में कर क्या रहे हैं, पूछना जिम्मेदारी है। तो आखिर आपने कितनी नौकरियां पैदा की, आप ये बताइए कि 2 करोड़ नौकरियों की आप बात करते थे और उनमें से कितने लाख नौकरियां पैदा कर पाए? 2 लाख नौकरियां, 2 लाख नौकरियां नहीं दे पाए और ये बात करते थे 2 करोड़ की। क्या यही है सरकार? क्या यही है मोदी सरकार? क्या ऐसे बेरोजगारी निपटाएगी? क्या ऐसे किसानों की आय दुगनी करेगी? सोचने वाली बात है और इस पर विचार करने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।